Okay, so in stats, let's start with miscellaneous points. Point one. अगर हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से अगर मीन घटाएं, ये ठीक है, तो जो सिग्मा होगा वो जीरो होगा. ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हो गया. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. प्रूव कैसे करेंगे? सिग्मा जो लगाए वो आई की वजह से लगाए, ये ठीक है. एक्स बार जो होगा, जो भी डेटा सेट होगा उसके लिए तो मीन तो फिक्स ही होगा, तो हमने अलग अलग कर दिया. तो ये एक्स बार एक्स बार एक्स बार एन बार आ जाएगा, तो एन टाइम्स एक्स बार हो गया बराबर जीरो. तो यहाँ से एक्स बार कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स आई अपॉन, यही फॉर्मूला होता है मीन का. तो इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा गया. अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कि अगर हम डिफरेंस अगर हम मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मीन घटाएं और जो भी सब्ट्रैक्शन है उसको ऐड करें तो आंसर जीरो आएगा. ये ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. देन पॉइंट टू इज, अगर मान लिया हम सब ऑब्जर्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, ये ठीक है, मतलब ये पहले एक्स आई था, अब हमने क्या किया, सब ऑब्जर्वेशन को एक्स अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड, इसको हम बोल सकते हैं न्यू. ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशंस. जो भी डेटा पॉइंट था उसको अगर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो जो मीन आएगा, ये ठीक है, अगर अब पुराना मीन एक्स बार था तो अब अल्फा एक्स बार हो जाएगा, मतलब मीन अल्फा टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, अगर पहला वेरिएंस, ये ठीक है, सिग्मा स्क्वायर था, तो अब जो वेरिएंस है वो अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, पहले अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था तो वो अल्फा टाइम्स हो जाएगा. कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको लैंग्वेज में समझाऊं, कि अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो जो मीन है वो अल्फा टाइम्स हो जाएगा पुराने मीन का, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी अल्फा टाइम्स हो जाएगा, और जो वेरिएंस है वो तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तो वो अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, मान लिया मैंने सारी ऑब्जर्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया मीन विल बी थ्री टाइम्स ओल्ड मीन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी थ्री टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड न्यू वेरिएंस विल बी नाइन टाइम्स ओल्ड वेरिएंस. ठीक है, अब हो क्यों ना है, वो ऑफकोर्स एक्स बार का जो फॉर्म होता है वो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है. अगर मैंने यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा कॉमन लेने के बाद सिग्मा एक्स आई अपॉन एन जो होगा ये ओल्ड मीन हो गया. ये ठीक है, ओल्ड मीन, तो अल्फा टाइम्स ओल्ड मीन हो गया. ठीक है, और ऐसे ही तुम वेरिएंस का फॉर्मूला देख सकते हो. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है. तो अगर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, कि जो मीन है वो भी अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी ऑब्जर्वेशन भी अल्फा से मल्टीप्लाई. तो ऑफकोर्स इसमें से अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट में से, तो वो इस स्क्वायर की वजह से अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो नेट बाहर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा एंड अंदर सेम फॉर्मूला बच जाएगा, तो न्यू वेरिएंस विल बिकम अल्फा स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस. ठीक है, ये तो हो गया अगर हमने ऑब्जर्वेशंस में एक नंबर मल्टीप्लाई किया. अगर हमने ऑब्जर्वेशंस में कोई नंबर ऐड किया, ठीक है, तो चलो वो भी यहीं लिख लेते हैं. इसको बोल दिया न्यू वन, इसको बोल दिया न्यू टू. अगर हमने बीटा मान लिया ऐड कर दिया सारी ऑब्जर्वेशंस में, ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि सारी ऑब्जर्वेशन को बीटा से इंक्रीज कर दिया, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि जो भी डेटा सेट है वो बीटा से आगे खिसक जाएगा, तो मीन बीटा से आगे खिसक जाएगा. बट जो स्प्रेड है, अगर मैंने सभी में बीटा ऐड किया है तो स्प्रेड तो चेंज नहीं होगा डेटा का जो स्प्रेड है, ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा. तो मीन जो है वो हो जाएगा बीटा प्लस ओल्ड मीन, ये ठीक है, और वेरिएंस सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा. तो अगर सारी वैल्यूज में हम 5 ऐड कर दें तो नया मीन विल बी ओल्ड मीन प्लस 5, ये ठीक है, एंड नया स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नया वेरिएंस विल रिमेन द सेम. लेट्स मूव टू पॉइंट थ्री. पॉइंट थ्री में क्या है,
इन ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन कोइंसाइड्स। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का हो गया कि एक्स एक्सिस पे तो वैल्यूज हो गई, वाई एक्सिस पे मान लिया फ्रीक्वेंसी हो गया, तो यही मीन हो जाएगा, यही मोड हो जाएगा एंड यही मीडियन हो जाएगा। इसके दोनों तरफ सिमेट्रिक है ये, ठीक है, बट एक्चुअल में काफ़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो गई नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि अगर सिमेट्रिक नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मान लिया मॉडरेटली स्क्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्यूड नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा ही स्क्यूड है, तो फिर हम एक एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मीन मोड मीडियन के लिए ये, ठीक है, तो वो ऐसे लिखते हैं, फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, मैं इसको याद करने के लिए तुम ऐसे याद कर सकते हो कि ट्राइंगल में एच जी ओ ये 2:1 की रेशो में होता है, तो यहाँ पे एच का काम तो क्या करेगा, मोड, ठीक है, और मीडियन जी मीडियन पे आता है तो ये भी मीडियन ही होगा, ठीक है, और जो सर्कम सेंटर होता है उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत सारे डेटा में यही देखा गया, इसका कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है एज सच। तो हम रिलेशन क्या लिखेंगे, फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव मोड माइनस मीन बराबर 3 times मीडियन माइनस मीन। ये ठीक है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस इसका 3 times है ऑफकोर्स। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यूल गेट मोड इक्वल्स टू 3 median माइनस 2 mean। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखना है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये सब तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर किसी भी क्वेश्चन में वो इसमें से 2 चीज़ दे दे, मान लिया मोड और मीडियन दे दे, तीसरा पूछे, तो ऑफकोर्स वो इसी फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए पूछा जा रहा होगा, तो तुम्हें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जहाँ पे भी 2 चीज़ दे रखा हो तीसरा चीज़ पूछा हो ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, दिस वॉज 0.3। फिर 0.4, स्क्वायर ऑफ डेविएशन अराउंड ए वैल्यू वाई विल बी मिनिमम इफ वाई इज मीन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब डेविएट जितना हो रहा है, तो अगर अराउंड ए वैल्यू, ये ठीक है, किस वैल्यू के अराउंड डेविएशन, तो वाई के अराउंड, तो इसके स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन अराउंड ए वैल्यू वाई विल बी मिनिमम इफ वाई इज मीन। तो मतलब ये एक तुमने फंक्शन मान लिया, तो डेटा सेट वही x1 x2 x3 ये सब दे रखा है n तक, तो इसमें से अगर मैंने y के अराउंड डेविएशन निकाला, तो इफ आई एम चेंजिंग y, तो इसका डेविएशन का स्क्वायर जो आएगा, जो ये वाला सम है, मतलब जो एफ वाई की वैल्यू आएगी ऑफकोर्स वो अलग अलग वाई के लिए अलग अलग आएगी, तो उसमें से सबसे छोटी कब आएगी, जब वाई मीन होगा, तो अगर मैंने वाई को मीन लिया तब ये क्वांटिटी लीस्ट पॉसिबल आएगी ये। ठीक है, वो कैसे आएगी, बहुत सिंपल है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xi y, ये ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दिया, तो सिग्मा तो आई की वजह से लगा रखा है, तो ये y स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, तो सिग्मा से बाहर निकाला तो n y स्क्वायर माइनस 2y सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो अगर मैंने y अलग अलग चेंज किया तो ये तो यू आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इन y, तो जिसका लीस्ट वैल्यू कितना होगा, माइनस d अपॉन 4a,
और वो कब आता है, माइनस बी अपॉन टू ए पे. तो दिस विल बी मिनिमम व्हेन वाई बराबर माइनस बी अपॉन टू ए. ये ठीक है, वाई बराबर माइनस बी इज माइनस टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन एंड विच इज नथिंग बट मी. तो इसको तो तुम एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ थ्योरी वाला कोई पॉइंट नहीं है. ये ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर मान लिया इसका मिनिमम वैल्यू देन वाई विल बी मीन मोड मीडियन, ऐसे करके लिख सकते हैं. तो मीन के अराउंड मिनिमम आएगा. ठीक है, एंड लेट्स मूव टू लास्ट पॉइंट एंड दैट इज मान लिया दो डेटा सेट दे रखे. डेटा डेटा सेट वन, डेटा सेट टू. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये ठीक है, वो मान लिया इसमें एन वन है, इसमें एन टू है. इसका मान लिया मीन एक्स वन बार है, इसका मान लिया एक्स टू बार है. इसका मान लिया वेरियंस सिग्मा वन स्क्वायर है, इसका मान लिया सिग्मा टू स्क्वायर है. अब ये जो दो डेटा सेट आया इसको हमने मिला दिया. ठीक है, तो आ गया कंबाइंड सीरीज. तो कंबाइंड सीरीज के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ कोर्स एन वन प्लस एन टू हो जाएगा. मीन मान लिया एक्स बार हो गया और ये मान लिया सिग्मा स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार विल बी सिंपली एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू. ये ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स सिग्मा, ये जो एक्स वन बार होता है वो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन वन होता है. तो एन वन को अगर हम उधर ले जाएं तो सिग्मा मिल जाएगा इसका. तो इन सब का मतलब फर्स्ट डेटा सेट का सिग्मा कैसे मिल जाएगा, दिस इंटू दिस करके. दूसरे डेटा सेट का सिग्मा कैसे मिल जाएगा, दिस इंटू दिस करके. अब इसके लिए सारी ऑब्जर्वेशन का सम निकालें तो ऑफकोर्स इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करिए तो एक्स बार आ जाएगा. ये ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर जो होगा दैट विल बी एन वन सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर प्लस एन टू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर अपॉन फिर वही एन वन प्लस एन टू. ये ठीक है, इसमें डी वन बेसिकली क्या है, एक्स वन बार माइनस एक्स बार, मतलब ये जो एक्स बार कैलकुलेट किया उसको फर्स्ट के मीन में से घटा दिया, वो डी वन आ गया. और डी टू कितना आ गया, सिमिलरली आ गया. ये ठीक है, अच्छा इसको ऑफ कोर्स प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव करने के लिए वही बेसिक डेफिनेशन से जा सकते हैं. जैसे सिग्मा स्क्वायर जो है वो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन वन, सॉरी हाँ, अपॉन एन वन प्लस एन टू हो जाएगा. इसको मैनिपुलेट करके मतलब ये वाला फॉर्मूला लाया जा सकता है. ये ठीक है, दिस वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ही कभी जेई में पूछा जाए, और प्रूफ तो हम अपने आप कर सकते हो. तो विद दिस फ्रॉम माय साइड ये चैप्टर इज फिनिश्ड. ऑल द बेस्ट, आई होप यू हैव एंजॉयड इट.